Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vachayanam. Namo Loe Sovasahuram. Paramabhaye Sabakhandite. Karma Kanda Samudaya. Sahaja Akhandita Jnanamaya Jayavante Jinaraya Vighnaharana Mangalakarana Namo Siddha Sukhakar Nemi Chanda Jina Jagatapati Sadhu Vachana Gunadar सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य नेमिचंद ने गोमर सार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की हुई है. उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है और उसी के आधार से हम यहाँ कर्म के बंध, उदय और सत्व के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं. हमने बंध की विस्तार से चर्चा की, उदय के बारे में भी, उसकी उदय की विच्छित्ति, उदीर्णा की विच्छित्ति इसकी बात देख ली है. उदय के स्थान जो होते हैं वो हम बाद में देखने वाले हैं, जैसे मोहनी के उदय स्थान, नाम कर्म के उदय स्थान. केवल यहाँ हमने उदय की विच्छित्ति देख ली. अभी हम सत्व की विच्छित्ति देखने वाले हैं, कहाँ कितना सत्व पाया जाता है और किस का सत्व कौन से गुणस्थान में नहीं पाया जाता. जिस गुणस्थान के ऊपर सत्व नहीं होगा उसको वहाँ उसकी विच्छित्ति कहने में आएगी. या तो वो प्रकृति के साथ ऊपर के गुणस्थान नहीं होंगे, या विच्छित्ति कब कहेंगे, जहाँ पर्टिकुलर गुणस्थान में उसका क्षय होगा. इस अपेक्षा से यहाँ सब बातें चलेगी. प्रश्न क्या है? कोई मनुष्य या तीर्यंच विदेह क्षेत्र में जाकर मनुष्य बनकर तीर्थंकर प्रकृति का बंध करके उस भव में तीर्थंकर बन सकता है. वो आता है ना कि पहले वो तो दीक्षा लेने के बाद उसने किया है तो उसके दो कल्याणक हो गए या तीन कल्याणक हो गए, इस तरह से वर्णन आता है. परंतु उसकी विशेष चर्चा भी उसमें तो नहीं आती है. फिर भी संख्यात हजार वर्षों तक उसका सत्व पाया जाता है, इस तरह से कथन आता है. तीर्थंकर प्रकृति का सत्व कम से कम संख्यात हजार वर्ष पाया जाएगा, इस तरह से. निबंध के बाद संख्यात हजार वर्ष तक अभी उसकी सत्व है. वो उदय की बात है, उदय के लिए तो पृथक्व वर्ष तक उदय होता ही होता है, कुछ वर्ष. अब पृथक्व कैन भी एनीथिंग, हजारों को भी पृथक्व कहते हैं, तीन से आठ तक को भी पृथक्व कहते हैं. कभी जिस अपेक्षा से जहाँ बात हो वो समझ लेना चाहिए. अभी हम ये सत्व की बात देख रहे थे. देखो, हमने गुणस्थानों में सत्व देखा था, याद है? पहले गुणस्थानों में, अभी यहाँ नाना जीवों की अपेक्षा बात चल रही. एक जीव को एट ए टाइम तीर्थंकर की और आहारक की सत्ता नहीं होती, परंतु अन्य अन्य जीवों की अपेक्षा. किसी को तीर्थंकर की सत्ता हो सकती, किसी को आहारक की. तो पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है? तो 148 का. दूसरे गुणस्थान में कोई भी तीर्थंकर की सत्ता वाला दूसरे में नहीं आता और आहारक की वाला भी नहीं आता. तो वहाँ वो तीन बिना सत्व 145 का हो. तीसरे गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति वाला नहीं आ सकता, आहारक कहाँ आ सकता है? तो वहाँ पर 147 का सत्व देखा. अब चौथे गुणस्थान में 148 सभी तीर्थंकर आहारक दोनों की सत्ता वाला होगा ना चौथे गुणस्थान में. जैसे आहारक का बंध करके कोई देह में गया है, तीर्थंकर की भी बंध किया है, तो उसकी सत्ता में दोनों है. तो यहाँ रहते हुए भी हो सकता है उसको. पांचवें गुणस्थान में कौन सा सत्व नहीं होगा? नरकायु का नहीं होगा. सत्व में क्या लेना?
उसके बुद्धिमान और बुद्धिमान दोनों को कंसीडर करना। यह मनुष्य ने तिरियन चाबी बांध दी हो तो उसको पांचवा गुणस्थान नहीं होगा, पर जो स्वयं तिरियंच है, तिरियन चाबी का जिसके उदय चल रहा है, यानी तिरियंच गति की जीवों को पांचवा गुणस्थान हो सकता है ऑर्डिनरी, जिसको हम औपशमिक या क्षौपशमिक सम्यक्त्व कहा। इसलिए पांचवें गुणस्थान में सत्व कितना देखा हमने, वो नरकायु के बिना 147 का। छठे में अभी जिसके तिरियंचायु की सत्ता है, स्वयं तिरियंच भी छठे सातवें में नहीं जाते हैं, और जिस मनुष्य ने तिरियंचायु या अन्य कोई वो भी छठे सातवें में नहीं जाता। इसलिए मनुष्यायु तो उसकी अपनी है, जिसने मनुष्यायु का बंद किया है वो नहीं जाएगा, परंतु उसकी वर्तमान मनुष्यायु चल रही है, उसके तो छठा सातवां गुणस्थान है। इसलिए वहाँ सत्व कितने का है, 146। कौन से दो छोड़े, नरकायु और तिरियंचायु। सातवें गुणस्थान में वही लेना 140, और आठवें गुणस्थान में, आठवें ने भी वो श्रेणी चढ़ रहा है, श्रेणी चढ़ता है तो या तो औपशमिक समय यानी द्वितीय औपशम के साथ चढ़ेगा, या क्षायिक समय दृष्टि होकर चढ़ेगा। क्षायिक समय दृष्टि श्रेणी चढ़ता है तो उसको 138 का होगा, या 139 कैसे हो सकता है, देवायु का बंध किया होगा, या 142 कैसे हो सकता है। 140 में से कौन से चार कम कर दिए उसने, अनंतानुबंधी की विसर्जना के साथ चढ़ा है। इस तरह से ये तीन सत्व हो सकते हैं वहाँ। अब क्षायिक समय तो की अपेक्षा बात करते हैं। चौथे गुणस्थान वाले में हमने सत्व 148 का देखा था। क्षायिक समय दृष्टि के अनंतानुबंधी चार और दशम गुण की तीन नहीं है, तो उसमें से सात कम कर दो, 141 रह जाएगा। पाँचवें गुणस्थान में 147 का सत्व है नरकायु बिना, परंतु तिरियंचों को भी क्षायिक सम्यक्त्व तो चौथे गुणस्थान में हो सकता है, पांचवें में नहीं, इसलिए उसको तिरियंचायु भी कम कर देना। जिसने बांधी है उसको भी नहीं लेना है पांचवें गुणस्थान में, और जो तिरियंच स्वयं है उसके भी क्षायिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता, इसलिए हम 139 करना। छठे में सातवें में तो 139 दिखाई था, वहाँ पर भी तिरियंचायु का सत्व नहीं, नरकायु का नहीं। क्षायिक समय दृष्टि जो आठवें गुणस्थान वाला है, श्रेणी चढ़ने के सम्मुख है, उसके भी वहाँ 138 लिया। क्यों, देवायु का भी बंधन करने वाला क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा, इसलिए इस तरह से उसको तीनों ही आयु बिना 138 के सत्व से ही तो श्रेणी चढ़ रहा है। अब श्रेणी में कौन कौन सी प्रकृतियों का क्षय पहले होता है, कौन सी बाद में होता है, इसका क्रम अभी बताएंगे। देखो पेज नंबर है 342। तो 138 की सत्ता सहित वाला जीव क्षपक श्रेणी चढ़ेगा। अब उसका क्षय कैसा होता है वो 337 गाथा की टीका, नीचे का पैराग्राफ देखो। यहाँ प्रकृतियों की सत्व विच्छित्ति कहते हैं, जहाँ जिन प्रकृतियों की विच्छित्ति होती है उसके ऊपर के गुणस्थानों में उन प्रकृतियों की सत्ता का अभाव जानना। अब जो अनिवृत्तिकरण नौवा गुणस्थान है उसमें अभी ये सत्व के ने क्षणा की अपेक्षा से हम अनेक भेद करेंगे। बंध की अपेक्षा हमने कितने भेद किए थे, जहाँ पाँच का बंध है, जहाँ चार का है, जहाँ तीन का है, जहाँ दो का है, जहाँ एक का है। अब यहाँ हम क्षपणा की अपेक्षा, सत्व की अपेक्षा उसके भेद करेंगे कि जहाँ पहले में पहले 16 का क्षय होगा, फिर 8 का क्षय होगा, इस तरह से उसके भेद करने। तो अनिवृत्ति गुणस्थान करण गुणस्थान में अनुक्रम से अभी कौन सी प्रकृति है उसको देखेंगे। तो 16 यानी पहले 16 प्रकृतियों का क्षय हो जाएगा, फिर 8, उसके बाद 1, 1, बाद में 6, और फिर 4 में से 1, 1, यानी 1, 1 चार बार, 1, 1, 1, 1 प्रकृति की सत्ता में से विच्छित्ति है। सत्ता में से विच्छित्ति कब कहेंगे, उसका क्षय हो चुकने के बाद, वो सत्ता नहीं रहेगी उसकी। फिर यानी नौवे गुणस्थान में कितने होगा, 16 गया, फिर 8 गया, 1 गया, 1 गया, 6 गए, 4 गए, 4 गए ने 1, 1, 1, 1 चार बार गए, तो उस सत्ता कितनी रही उसको हम कहेंगे, माइनस करते जाएंगे। 138 में से पहले 16 को माइनस करना पड़ेगा, फिर जितने बचे उसमें से 8 को माइनस करना पड़ेगा, इस तरह से हम देखेंगे। पहले पढ़ लेते हैं, सूक्ष्म सांप्राय में 1 कौन सा होगा, सूक्ष्म लोभ, यानी लोभ की वहाँ क्षपणा हो गई।
क्षीण कषाय में 16, जो हमने वो उदय की भी बात देखी थी ना। संयोग केवली में 0, देखो संयोग केवली में उदय की विच्छित्ति तो देखी थी, पर वो सभी सत्ता में पड़े हैं। उदय रुक गया है, उदय रुक गया ना, उसका जो फलदान जैसे शरीर के परमाणु लेना वगैरह वगैरह वो सब कार्य रुक गया, परंतु सत्ता में वो प्रकृति पड़ी है। जब तक उसका क्षय नहीं होता तब तक वो सत्ता में है, उसका सत्व है। तो उनका सत्व कब नष्ट हो जाएगा? तो कहते अयोग केवली के अंत 2 समयों में, वहाँ की जो अनुदय रूप प्रकृतियाँ होती है वो उपांत समय में नष्ट होती है, और वहाँ की जो उदय रूप प्रकृति है वो अंतिम समय में नष्ट होती है। वो उदय रूप के साथ मनुष्य गत्यानुपूर्वी भी अंतिम समय में नष्ट हो जाते हैं। तो अंत के 2 समयों में, द्विचरम समय में 72 और चरम समय में 13 के सत्व की विच्छित्ति है। 12 तो उदय रूप थी और ये गत्यानुपूर्वी उदय रूप नहीं थी, परंतु उसका भी क्षय अंतिम समय में हो जाता है। अब हम 343 पर ऊपर का जो एक चार्ट है ना उसको जरा देख लेते हैं। शपक श्रेणी में हमको देखना है तो देखो, अपूर्व करण में सत्व कितना था उसका? 138। क्यों? क्षायिक समय दृष्टि था और आयु का बंधन नहीं किया था, इस तरह से 138 की सत्ता सहित श्रेणी चढ़ रहा था। फिर उसने अनिवृत्तिकरण के पहले भाग में 16 का क्षय कर दिया, 16 का क्षय कर दिया तो कितना रह गया? दूसरे भाग में 122 रहे, तो उसमें से उसने 8 का क्षय कर दिया। 8 का क्षय करने पर 122 में से 8 गई, 114 रही। उसके बाद 1 का क्षय किया, 113 रहे। फिर 1 का क्षय किया, 112 रहे। फिर 6 गई, 106 रही है। फिर 1 गई, 105 रही। फिर 1 गई, 104 रही। फिर 1 गई, 103 रही। फिर 1 गई, तो वह एक्चुअली अनिवृत्तिकरण के ही अंत समय में, जब माया का क्षय हो गया तो उसी के अंत समय में सत्व 102 रह गया था। तो 102 का सत्व वाला अभी 10वें में आया है और वहाँ वो सूक्ष्म लोभ भी गया, तो वह सूक्ष्म लोभ गया तो 101 की सत्ता होगी। तो 101 वाला क्षीण कषाय वाला 16 की क्षपणा करेगा, तो संयोग केवली के 85 का सत्व रह गया। सत्व 85 का है ना, उसमें से उदय की विच्छित्ति हुई, फिर भी सत्व सभी की 85 का सत्व तो बना रहा, एक भी प्रकृति का क्षय नहीं था। तो फिर उपांत समय में उसमें से 72 गई, तो अंतिम समय में सत्ता कितनी रही? 13 की रही। वो 13 का क्षय अंतिम समय में हो गया, ये उसका अर्थ होता है। क्षपणा का ये प्रोसेस है। अब वो 16 कौन सी है, 8 कौन सी, उसकी अभी हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं नीचे, ये 16 आदि प्रकृतियाँ कौन सी है उसको कहते हैं। देखो ये 16 में कैसे समझना, उसमें से 3 जो है ना वो स्थान वृद्धि त्रिक है। 16 में से 3 है वो किसकी, कौन सी है वो, किसका भेद है? स्थान वृद्धि दर्शनावरण का, दर्शनावरण का। और बाकी जो 13 है वो नाम कर्म की 13। वो नाम कर्म की 13 कौन सी है तो हम पढ़ते हैं। देखो नरक गति और नरक गत्यानुकूल, तीर्यंज गति और तीर्यंज गत्यानुकूल, फिर विकल त्रिक यानी द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय, फिर स्थान वृद्धि त्रिक, उद्योत आतप एकेंद्रिय साधारण सूक्ष्म और स्थावर। फिर से ये 3 तो दर्शनावरण की है, तो स्थान वृद्धि निद्रा निद्रा और प्रश्वा प्रश्वा। बाकी नाम कर्म की नरक गति की 2 है और बाकी जो बचे ना 13 में से 2 तो नरक गति के और बाकी 11 तो तीर्यंज गति संबंधी है। उसमें कैसे लेना, तीर्यंज गति उसकी अनुपूर्व, एकेंद्रिय के साथ स्थावर आतप ले लेना, उद्योग भी ले लो, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय को भी ले लो, और सूक्ष्म साधारण और विकलत्र की बात, सूक्ष्म और साधारण को ही लेना है, स्थावर को तो ले लिया, अपर्याप्त को यहाँ नहीं लिया है। हमेशा हम सूक्ष्म साधारण के साथ अपर्याप्त लगा लेते, उसको यहाँ नहीं लिया है। फिर पढ़ते जिसको यहाँ पर नरक गति और अनुपूर्वी, तीर्यंज गति और अनुपूर्वी, विकलत्रिक कहने से एक्चुअली विकलत्रिक और एकेंद्रिय सबको लिया है, यानी जाति की अपेक्षा वक्त एकेंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय सब यहाँ चले गए।
एक इंद्रिय के साथ हमेशा स्थावर को लेना, एक इंद्रिय के साथ आतप भी उसी के साथ बंधने वाली, उसको भी उसकी सत्ता के साथ उसको भी नष्ट कर देता है। और तीरंज गति नहीं रही तो उद्योग भी नहीं रहेगा, इसलिए उसको यहाँ विच्छित हुई नहीं, उसका क्षय हो गया। तो यहाँ पर नौवें गुणस्थान के पहले भाग में इन 16 प्रकृतियों का क्षय हो गया। अब उसके बाद आठ कौन सी है? विच्छित यानी सत्ता की विच्छित्ति हुई ना, सत्व में से चली गई। हाँ, अप्रत्याख्यानावरण चार और प्रत्याख्यानावरण चार। यहाँ उदय किसका चल रहा है? संज्वलन का, पर ये सत्ता में पड़ी है। अनंतानुबंधी का क्षय तो चौथे से सातवें तक कहीं पर भी कर सकता है, पर इन आठ कषायों का क्षय यहाँ नौवें गुणस्थान में आकर किया है। उदय में नहीं है, सत्ता में पड़ी है, परंतु इसका क्षय यहाँ आकर हो सकता है, उसके पहले कभी नहीं। लोगों को लगता है ना पांचवें गुणस्थान वाला क्यों नहीं करता उसका क्षय, चौथे वाला अनंतानुबंधी का क्षय कर सकता है, तो पांचवें वाला अप्रत्याख्यानावरण का क्षय क्यों नहीं कर सकता? ऐसा ही वस्तु का स्वरूप। हाँ, पुणे से प्रश्न आया था अतुल बाकरीवाल का, क्यों नहीं करता? ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, कहाँ कौन से प्रकृतियों का क्षय करता है, किस विशुद्धि से करता है, वो सारे नियम है, वो हमारी बुद्धि हमारे तर्क वहाने के काम करते नहीं है। क्योंकि ऐसे तर्क उठाते रहते हैं हम, यहाँ ऐसा क्यों नहीं, वहाँ ऐसा क्यों नहीं, ऐसा ही स्वभाव है। उतनी विशुद्धि के साथ वही कार्य होगा जो होने योग्य है। तो ये आठों ही कषायों का क्षय नौवें गुणस्थान के दूसरे भाग में होता है। अब उसके आगे तीसरे भाग में क्या होगा? एक लिखा था ना, वो कौन सी एक प्रकृति है? तो सबसे पहले नपुंसक वेद का क्षय हो जाएगा, उसके बाद स्त्री वेद का क्षय हो जाएगा, उसके बाद छह नौ कषाय। देखो, छह नौ कषाय और पुरुष वेद का एट ए टाइम वो संक्रमित होना चालू हो जाता है। क्षय का प्रोसेस तो शुरू होता है, परंतु क्या है, जब तक वेद का उदय है तब तक उसका वेद का बंध भी होता है, पुरुष वेद का। तो बाकी छह कषाय की क्षपणा पूरी होती है, पुरुष वेद का जो पूर्वावस्था का वो क्षय हो गया, पर अभी अभी नया बंधा हुआ, उसको क्षय होने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बताए। छह की बात अलग बताइए और एक की बात अलग। तो छह के बाद चार बार एक एक लिखा है ना, चार पांच बार लिखा है, देखो। तो पुरुष वेद को अलग लिया, पांचवें भाग में चौनों कषाय लिया सर, और फिर पुरुष वेद, संज्वलन क्रोध, संज्वलन मान और संज्वलन माया। अभी संज्वलन लोभ का क्षय यहाँ नहीं कहा, उसका सूक्ष्म क्रिया यानी सूक्ष्मकरण जिसको कहेंगे, सूक्ष्म पुष्टिकरण, वो यहाँ हुई थी, परंतु उसका उदय और सत्ता दसवें में बनी है। तो इन चार की छठवें सातवें आठवें नौवें भाग में अनुक्रम से विच्छित्ति। अरे नौवें गुणस्थान में इतने लंबे यानी इतने अलग अलग क्षयों की यानी क्षपणा की बात होती है। पहले में पहले कितने? 16, बाद में 8, उसके बाद एक यानी नपुंसक वेद, फिर एक यानी स्त्री वेद, फिर छह यानी छह नौ कषाय, फिर एक यानी पुरुष वेद, फिर एक यानी संज्वलन क्रोध, फिर संज्वलन मान, संज्वलन माया। इस तरह से ये नौ भेद हुए। क्षपणा की अपेक्षा, क्षय की अपेक्षा, ये नौ भेद हुए। बंध की अपेक्षा मैंने पांच ही भेद देखे थे। बंध कहाँ कितना होता है उसकी अपेक्षा पांच देखे थे, और ये क्षपणा की अपेक्षा, सत्ता का जो नाश करने की अपेक्षा, नौ भेद देखे। देखो, इस तरह स्थूल अर्थात बादर सांप्रण्य अनिवृत्तिकरण में 36 प्रकृतियों की विच्छित्ति है। टोटल 36 हो गए, 16 + 8 24 हो गए ना, 25, 26, 6, 32, 33, 34, 35, 36 36 हो गए टोटल सब मिलकर। सूक्ष्म सांप्राय में संज्वलन लोभ की विच्छित्ति है, क्षीण कषाय में उदय की विच्छित्ति के समान 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, निद्रा प्रचला, इन 16 के सत्व की विच्छित्ति है। वो उपांत समय में निद्रा प्रचला चली जाती है और अंतिम समय में बाकी सब। संयोग केवली में विच्छित्ति नहीं का अर्थ क्या है? किसी की भी क्षपणा नहीं होती, क्षय किसी प्रकृति का नहीं होता, वो सत्ता में बनी रहती, भले उसका उदय की विच्छित्ति कही वहां पर, पर सत्व की विच्छित्ति नहीं कही है। यदि 13वें के अंत समय तक उदय था, 14वें में उदय नहीं है,
फिर भी वो सभी प्रकृतियाँ सत्ता में पड़ी है, ये उसका अर्थ है। बाकी भी कितने उदय रूप भी नहीं थी, जैसे अपर्याप्त नाम कर्म या अन्य अन्य नाम कर्म वो सब पड़े था वहाँ पर। ऐसे देवगति का नाश हुआ था कि नहीं हुआ था अभी तक? सत्ता में पड़ी है ना सब, उसका उदय भी नहीं था, परंतु सत्व वहाँ तक पड़ा है सबका। तो जितनी सत्ता में पड़ी है उसमें से 72 प्रकृतियाँ अयोग केवली के उपांत समय में उसका क्षय होगा, और अंतिम समय में 13 प्रकृतियों का क्षय होगा। उसमें शुद्ध 12 तो उदय रूप है, और मनुष्य ने गत्यानुपूर्वी को साथ में लेकर उसका क्षय अंतिम समय में हो जाएगा। इस तरह से हमने सत्ता की अपेक्षा उसके अलग अलग कहाँ किसकी सत्ता नष्ट होती है, विच्छित्ति होती है, उसकी बात हमने देख ली। अब आगे देखते थोड़ा, अभी इसको सब मार्गणाओं में वगैरह वगैरह बताया है। अभी सत्ता के प्रकरण में, जैसे नाम कर्म की सत्ता कितनी होती है कितने गुणस्थान में, तो किसी जीव की अपेक्षा से जब बात आती है यानी अलग अलग जीव, जैसे बंध कोई अलग अलग जीव अलग अलग करते हैं ना, हमने देखा 23 का बंध है, किसी का 25 का बंध है नाम कर्म में, ऐसे नाम कर्म के सत्व स्थान कितने अलग अलग, ये सत्व स्थान का विषय बाद में आने वाला है, परंतु उद्वेलना की अपेक्षा कितना सत्व हो सकता है उसको यहाँ देखना है। उद्वेलना का अर्थ क्या है? कोई प्रकृति बंधी है और बाद में वो मिथ्यात्व में जाकर वो प्रकृति सत्ता में से नष्ट होती है। उद्वेलना ने उल्टा संग, पहले तो बंधी थी, अब वो अन्य किसी प्रकृति रूप होकर नष्ट हो जाती, उसको कहेंगे उद्वेलना। जैसे हमको दर्शन मुनि मालूम है कि सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व तैयार हुई थी मिथ्यात्व में से, किसको थी वो? सम्यक दृष्टि, वही सम्यक दृष्टि मिथ्यात्व में चला गया। अब क्या होता है? सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व के परमाणु मिथ्यात्व में संक्रमित होने लगते, उसको कहेंगे उद्वेलना। ऐसे किसी मुनिराज ने आहारक अंगोपांग का बंध किया, अब वो मिथ्यात्व में चले गए तो वो संक्रमित यानी नाम कर्म की अन्य प्रकृति रूप होकर वो नष्ट होती है, उसको कहते हैं उसकी उद्वेलना। ऐसे ही देवगति पंचेंद्रिय जीव नरगति भी बांधता है, देवगति भी बांधता है, उसके साथ वैकृक अंगोपांग भी बांधता है, परंतु वह जीव एकेंद्रीय में चला गया, वहाँ इनका बंध तो है ही नहीं है, कालांतर में यानी पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण वर्षों में ये सभी 6 प्रकृतियाँ सत्ता में से नष्ट होती है। कैसे होगी? उद्वेलना होगी। तो जब उद्वेलना होने के बाद उसकी सत्ता में देवगति नरगति कुछ नहीं रही, जब फिर पंचेंद्रिय में जन्म लेगा तब बांधेगा, तब उसकी सत्ता में आ जाएगा, ये उसका अर्थ होता है। मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूरी और उच्च गोत्र की भी उद्वेलना करते कौन करता है? अग्निकायिक वायुकायिक, अग्निकायिक वायुकायिक की ये विशेषता है, वो मनुष्य गति का बंध तो करते ही नहीं करते, उच्च गोत्र का बंध भी नहीं करते, परंतु उसकी सत्ता अन्य पर्याय में बंधे हुए वहाँ गया है तो वहाँ उसकी उद्वेलना करते करते उसको नष्ट कर देता है। यानी अग्नि वायु कायिक में से कोई मनुष्य में जन्मेगा नहीं, हाँ वो पहले अन्य तीर्यंच होगा, वहाँ से मनुष्य में आ सकता है मनुष्य गति और आयु बांध कर। उल्टा तो मनुष्य गति सत्ता में होगी तो उसको भी नष्ट कर देता है, ऑफकोर्स उसके लिए लंबा काल लगता है परंतु वो प्रोसेस वहाँ चालू हो जाता है, इसको कहते हैं उद्वेलना। तो अभी हम नाम कर्म की अपेक्षा देखते हैं। उद्वेलना में सत्ता में से नष्ट होती है, थिवुक संक्रमण एक समय के लिए वो टर्न होकर उदय सत्ता बनी है, पूरी सत्ता बनी है, सत्ता में कुछ परिवर्तन है, उसको संक्रमण भी नहीं कहते। थिवुक संक्रमण ये संक्रमण का भेद नहीं है, बस ये जो उदय में आते हैं अन्य रूप होकर उदय में आना, एक समय के लिए उदय रूप होते होते अन्य रूप होता है, सत्ता में अपनेपने पड़ा है। जैसे समय दर्शन हुआ तो अनंतानुबंधी का क्या हो रहा है, जिसको हम अप्रशस्त उपशम कहते हैं, दर्शन मुनि तो उपशमित पड़ा है, अनंतानुबंधी के निषेक का क्या होगा? अरे वर्तमान समय नहीं, दूसरे समय से वो अनंतानुबंधी रूप से पड़े, पर वर्तमान में उदय किसका है? चौथे गुणस्थान वाला है, तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयोल है, तो अनंतानुबंधी का क्या होता है? उदय के समय में एक समय के लिए वो अप्रत्याख्यानादि रूप होकर उदय में आए, उसको कहेंगे अप्रशस्त उपशम। ऐसे अनेक प्रकृतियों में चलता है, जैसे हमने देखा ना 4 गति के परमाणु पड़े हैं, कभी न कभी बंधे हुए,
हमारा मनुष्य गति का उदय चल रहा है, तो अन्य गति के क्या होगा, उसका निषेध जो दूसरे समय में पड़ा है वो वर्तमान में जब उदय रूप होगा मनुष्य गति रूप से उदय में आएगा। सभी में जितने हमारे मनुष्य गति के विशिष्ट ही प्रकृतियों का उदय चल रहा है, और बाकी हमने देखा ना नाम कर्म की इतनी सारी प्रकृतियां हैं, उनका क्या होता होगा, क्योंकि बांधी है तो आबादा के बाद तो उसके निषेक उदय में आने ही आने हैं, तो उसका क्या होगा। जो उदय रूप प्रकृति है उस रूप उसके परमाणु उदय में आते रहते हैं, उसको संक्रमण नहीं कहते, उसको क्यूब संक्रमण ही कहेंगे। संक्रमण में उदयावली के ऊपर के ही परमाणुओं का जो अन्य रूप होना है उसी को संक्रमण नाम है, इसको संक्रमण बिल्कुल नहीं कहना, भले उसका नाम क्यूब संक्रमण है वो संक्रमण का भेद नहीं है। वो एक समय के पहले वो उदय होते होते वो अन्य रूप हो रहा है, वो सारे अन्य जो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अभी मनुष्य है ना औदारिक, औदारिक ने आहारक है ना, आपका औदारिक आहारक बांधा है उसने, अभी आहारक बांधा है, मिथ्यात्व में जाते तो उद्वेलना होते, ये मिथ्यात्व नहीं भी गया है और आहारक शरीर का उदय नहीं हो रहा है तो क्या होगा। अभी वो छठे सातवें में पड़ा है, उसका उदय नहीं हो रहा है तो क्या होगा, उद्वेलना मिथ्यात्व गया बिना उद्वेलना नहीं होगी। सत्ता में पड़ा है पर उसका जो उदय रूप निषेक आबादा के बाद तो उसको नीचे आना है ना, अंत कोड़ा कोड़ी का बंद किया तो अंतर्मूर्त में उसका पहला निषेक तो नीचे आना ही आना है, तो वो पहले निषेक आता है तो क्या होगा। हाँ अभी मनुष्य है तो मनुष्यों के नाम कर्मों का कितना उदय चल रहा है, तो उनमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन होकर वो परमाणु ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होकर उदय में आ जाएगी। परमाणु का तो उदय होना ही होना है, पर वो किस प्रकृति रूप से बाकी, क्योंकि प्रदेश का जो हम हिसाब लगाते हैं ना, अपनी प्रकृति का उदय है और वहाँ जो अनुदय प्रकृति है वो सारे परमाणु इस रूप होकर उदय में आते, क्योंकि सेकंड दूसरे निषेक में सभी पड़े हैं ना, अभी सभी पड़े ना, पंचेंद्रिय का उदय है और एक इंद्रिय द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरेंद्रिय जाति पड़ी है, उसका क्या होता होगा, पंचेंद्रिय जाति रूप से उदय में आएंगे या अन्य सभी में उदय रूप सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सजातीय ने नाम कर्म की नाम कर्म रूप से होगी इस तरह से, अकेले पिंड प्रकृति में ही जाते हैं ऐसा भी नहीं है, वो सब में उसके डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उदय में आ जाएगी। थी बुक कहते हैं संस्कृत में या थी उक कहते हैं प्राकृत में, थी उक जैसे हम वो कहते हैं ना कि ठिबक सिंचन कुछ होता है ना, ड्रॉप इरिगेशन, वैसा एक 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 निषेक उस रूप होकर उदय में आता है, टर्न होकर उदय में आता है। देखो देखो अभी आ गए, ये उद्वेलना किसे कहना ये जरा निकालना, पेज नंबर 351 पर, यानी उद्वेलना की अपेक्षा। देखो पहले में पहले जो कौन सी सत्ता वाला लेते हैं हम, जिसने तीर्थंकर और आहारक नहीं बांधा है ऐसा भी ले सकते हैं, 90 वाली सत्ता होती है उसकी, तो उसने उद्वेलना की किसकी, पहले में पहले देवगति और देवगत्यानुपूर्वी की, तो उसकी सत्ता में कितना हो गया सत्व नाम कर्म का, हम टोटल नहीं कि मेरे नाम कर्म का, ये सत्व स्थान जब देखेंगे ना वो क्लियर होगा ज़्यादा, तो पहले देवगति और देवगत्यानुपूरी नष्ट हो जाएगी, क्योंकि एक इंद्रिय में लंबे काल तक रहता है तो क्या हो जाता है, एक इंद्रिय में जाने वाला वो आहारक की सत्ता होगी तो वो पहले उद्वेलना होकर नष्ट हो जाएगी, फिर देवगति देवगत्यानुपूर्वी नष्ट हो जाएगी, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी के साथ वैकिरेक वैकिरेक अंगोपांग नष्ट हो जाएगा, फिर मनुष्य गति वगैरह जो वायु कायिक में जाते हैं वो भी नष्ट हो जाएगा। यानी इस अपेक्षा से नाम कर्म के भी सत्वस्थान अलग हम देखने वाले, यह हमने टोटल हिसाब लगाया, बाद में हम नाम कर्म के अकेले के सत्वस्थान देखेंगे, मोनी के अकेले के सत्वस्थान देखेंगे, तब ये बात हम वहाँ लेंगे अधिक से। अब उद्वेलना किसको कहना, क्योंकि ये बात बाद में समझने के लिए उद्वेलना क्या है उसको समझना है, पेज नंबर 351। ये उद्वेलना नाम क्यों पड़ा, ये जो संक्रमण होते हैं ना, संक्रमण भी बहुत पांच प्रकार के बताए गए, तो उसके अलग अलग नाम क्यों दिए, उसको केवल संक्रमण कहना था ना, हाँ संक्रमण ही होता है परंतु कितने परमाणु संक्रमित होते हैं एट ए टाइम, तो सत्ता में जितने हैं उसको कौन सी संख्या से भाग देते हैं, भागे ने डिवाइड करते हैं,
तो उस पर्टिकुलर संख्या से डिवीजन करके जो एक भाग प्रमाण है उतने संक्रमित होते हैं एक समय में, तो वो भागहार की वैल्यू अलग अलग है, तो भागहार के अनुसार उनके संक्रमण के नाम अलग अलग है। जो उद्वेलना भागहार, विद्यात भागहार, तो उसको कहेंगे उद्वेलना होती है, विद्या संक्रमण होता है, या अधप्रौढ़ संक्रमण होता है, या गुण संक्रमण होता है, या सर्व संक्रमण होता है। सर्व संक्रमण का अर्थ क्या है? जो अंतिम जो लॉट होगा ना, पूरा का पूरा जाएगा। मान लेते हैं अंतिम लॉट में 100,000 परमाणु है और वो पूरे के पूरे संक्रमित हुए, तो वहाँ भागहार क्या होगा? कोई यहाँ गणित का स्पेशलिस्ट बताएगा? बहुत अच्छा, 100,000 को नहीं भाग देना, 100,000 को 1 का भाग देना तो 100,000 आएगा। वहाँ का भागहार 1 है, नहीं समझे? अंतिम जो कन्वर्ट, खाली कहते हैं अंतिम जो लॉट कन्वर्ट होना होने वाला है, वहाँ कितने भी परमाणु क्यों ना हो, भले अनंत हो, उसको 1 से भाग दो तो पूरा का पूरा लॉट संक्रमित होगा, उसको कहेंगे सर्व संक्रमण भागहार 1 है। ख्याल में आई बात? देखो अभी यहाँ पढ़ते हैं, तो उद्वेलना किसे कहते हैं? लास्ट पैराग्राफ। जैसे रस्सा जोर लगाकर बनाया था, पश्चात जोर लगाकर ही उधेर दिया, वैसे जिन प्रकृतियों का बंध किया था, पश्चात उनका उद्वेलन भागहार से अपकर्षण करके अन्य प्रकृतिपने को प्राप्त करके नाश करना उद्वेलन कहलाता है। अन्य प्रकृति रूप होकर सत्ता में से नष्ट हुआ, तो उद्वेलना पूरी हुई कहेंगे। जब तक उद्वेलना पूरी नहीं हुई तब तक चलता रहता है, उद्वेलना चल रही है और ऐसी उद्वेलना असंख्यात वर्षों तक भी चलेगी। जैसे सम्यक तो सम्यक मिथ्या तो तैयार हुए, एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद फिर वो जीव मिथ्या तो में गया, तो उसकी सत्ता एकदम नष्ट होती है क्या? तो मिथ्या दृष्टि के भी तीनों की सत्ता बनी रहती है, कितने काल तक? पल्ले के असंख्यात विभाग तक काल तक। तो फिर वो डायरेक्ट उसको वेदक समय तो प्राप्त कर सकता है, एकदम नष्ट होने की नौबत आई तो फिर उपशम समय तो प्राप्त कर सकता है। अभी आगे आना पेज नंबर 352 के, देखो 350 की टीका बीच में जो पैराग्राफ है ना, उद्वेलना का विधान आगे विस्तार से कहेंगे, तथापि यहाँ भी प्रसंग पाकर कुछ कहते हैं। आगे यानी वो आगे जो पंच भागहार चूली का है ना, संक्रमण के जो 5 अलग अलग भागहार है उसकी बात में बताने वाले हैं, पर यहाँ भी कद कहते हैं। आहार द्विक सम्यक्त्व मोनीय मिश्र मोनीय देव गति और गेवानुपूर्वी नरक गति और नारकानुपूर्वी वैक्रिक शरीर और अंगोपांग, ये वैक्रिक चतुष्क या नारक चतुष्क की 4 उच्च गोत्र मनुष्य गति और मनुष्यानुपूर्वी, ये 13 प्रकृतियाँ अनुक्रम से उद्वेलना रूप करते हैं। यानी आहार द्विक की उद्वेलना बहुत शॉर्ट कॉल में होती है, फिर उसके बाद पहले सम्यक प्रकृति नष्ट होती है, फिर सम्यक मिथ्या तो नष्ट होता है, मिथ्या तो रूप हो जाता है सर। बाद में जो लंबे काल तक एक इंद्रिय आदि में रहता है तो देवगति अनुपूर्वी भी नष्ट हो जाती है, फिर नरक गति अनुपूर्वी भी नष्ट, उसके साथ साथ वैकृत और वैकृत अंगोपांग भी चला जाता है, और अग्नि का एक वायु का एक में जाता है, वो मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र, इनको भी नष्ट कर देता है। इस तरह से ये उद्वेलना होती है। 13 ही प्रकृति है, ये उद्वेलना वाली 13 ही प्रकृतियाँ हैं, अन्य किसी प्रकृति में उद्वेलना नहीं होती। वैकृत चतुष्क ने देखो पहले में पहले प्रशस्त प्रकृति कौन सी, देवगति नष्ट हुई, उसके साथ देवगत्यानुपूर्वी गई, और उसके साथ वैकृत अंगोपांग गया क्या नहीं गया? तो नहीं, वो नरक गति के साथ रहेगा अभी, तो नरक गति द्विक और वैकृत द्विक मिलकर वैकृत चतुष्क कहो या नरक चतुष्क कहो, एक ही बात है। हाँ वैकृत षटक है, परंतु सभी की उद्वेलना एट अ टाइम नहीं होती, पहले देवगति और देवगत्यानुपूर्वी की होगी, प्रशस्त प्रकृति के पहले हो जाएगी और बाद में नरगति नरकत्यानुपूर्वी। ये एक इंद्रिय में लंबे काल तक रहने वाले जीवों की अपेक्षा से इनकी सत्ता नष्ट होती है, क्योंकि हमने देखा एक इंद्रिय में तो लंबे काल अनंत काल तक रहता है,
पर असंख्यात वर्षों में इनकी सत्ता नष्ट हो जाएगी। और मनुष्य गति की सत्ता केवल अग्नि का एक और वायु का एक ही मिटा सकते हैं, अन्य एकेंद्रिय नहीं। वो तो मनुष्य गति का बंद भी करेंगे। अन्य जो एकेंद्रिय है कौन से, पृथ्वी का एक है, जल का एक है, वनस्पति का एक है, निगोद भी है, वो तो एवरी अंतर्मूर्त मनुष्य गति का बंद कर रहे हैं। फिर से सुनना, एकेंद्रिय में लगातार रहने का काल कितना है, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। तो मनुष्य गति का बंद करता है कि नहीं करता, गति का अल्टरनेटली हर अंतर्मूर्त कर रहा है, पर कभी मनुष्यायु नहीं बांधी उसने, तभी तो एकेंद्रियों में इतना घूमा। जब आयु बंधने का अवसर आया तो तीर्यंच आयु बांधी, एकेंद्रिय की संबंधी आयु बांधी, परंतु उसने पंचेंद्रिय जाति नहीं बांधी थी, द्विंद्रिय जाति नहीं बांधी थी, ऐसा तो नहीं था। हर अंतर्मूर्त में बांध रहा था, हर अंतर्मूर्त में मनुष्य गति या तीर्यंच गति बांध रहा था। तो जब आयु बांधने का अवसर आया, तीर्यंच आयु एकेंद्रिय जाति बांधी, तो उसी में पर्याय में वो भटकता है, ये उसका अर्थ होता है। हाँ देखो, यहाँ उद्वेलना की बातें हैं ना, कौन सा जीव किस प्रकृति की उद्वेलना करता है, पेज नंबर 353 पर आते हैं। चारों गति वाले मिथ्या दृष्टि जीवों में चार, एकेंद्रिय विकलेंद्रियों में छह, ये कौन सी है वो बताएंगे। अग्नि का एक वायु का एक में तीन प्रकृतियाँ स्वस्थान और उत्पन्न स्थान में, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, क्या कहते हैं। स्वस्थान का अर्थ क्या है, अभी हम अग्नि का एक वायु का एक की बात करते हैं। अग्नि का एक वायु का एक मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपुरी और उच्च गोत्र, इनकी उद्वेलना करता है। तो स्वस्थान मैंने अग्नि का एकों में और वायु का एकों में उनकी उद्वेलना हो गई, यानी वहाँ उनका सत्ता उनकी नहीं रही, ये हो सकता है। अब वो अग्नि का एक और वायु का एक कहाँ उत्पन्न हो गए, नियम से तीर्यंच में ही होंगे ना, क्योंकि वो मनुष्य गति बांधते ही नहीं, मनुष्यायु बांधते ही नहीं है, और उन्होंने मनुष्य गति की सत्ता नष्ट कर दी है। अब वो कहाँ उत्पन्न हो गए, अन्य तीर्यंचों में। अगर वो फिर वायु का एक अग्नि का एक में उत्पन्न हो गए तो सत्ता कहाँ से आएगी। तो परम है स्वस्थान है अग्नि का एक वायु का एक, और अन्य परस्थान है। अब वो मान लेते कि तीर्यंच पंचेंद्रिय में भी क्यों ना उत्पन्न हुए, या पृथ्वी का एक में उत्पन्न हुए, या जल का एक में उत्पन्न हुए, तो वो वहाँ पर जब तक मनुष्य गति नहीं बांधते हैं तब तक वहाँ उसकी सत्ता नहीं है। क्योंकि हो सकता है वहाँ पर भी पहले अंतर्मूर्त में तीर्यंच गति बांधी और बाद में जाकर उन्होंने मनुष्य गति बांधी। तो इसका अर्थ क्या है, स्वस्थान में यानी जिसने उद्वेलना की है वो स्वस्थान हुआ, और फिर उत्पन्न स्थान में यानी जिसने मनुष्य गति की उद्वेलना की है और बाद में जहाँ उत्पन्न हुआ है वहाँ पर भी मनुष्य गति जब तक नहीं बांधता तब तक उसकी सत्ता नहीं होती, ये उसका अर्थ है उत्पन्न होने के स्थान में। जैसे एकेंद्रियों ने वो देवगति की नरगति की उद्वेलना कर दी, अब वो एकेंद्रिय आ गया द्विंद्रिय में आया, तो उसको नरगति देवगति की सत्ता होगी क्या, क्योंकि वो बांधता नहीं है। तीन्द्रिय में नहीं, चतुरिंद्रिय में नहीं, असंगी में बांध सकते हैं, आयु नहीं पहले गति की ले नहीं बस। तो वहाँ तो देवगति नरगति पंचेंद्रिय बांधते हैं तब जाके उसकी सत्ता हो जाएगी। तो करने वाले कौन थे, एकेंद्रिय मिथ्या दृष्टि वगैरह लेना। अब उसने यहाँ पर आके उसकी बांधी तो उसकी सत्ता आ गई, यानी उत्पन्न होने के स्थान में उसकी सत्ता नहीं थी, जब बांधी तब उसकी सत्ता आ गई, ये उसका अर्थ होता है। फिर से पढ़ते देखो, चारों गति वाले मिथ्या दृष्टि जीवों में चार, एकेंद्रिय विकलेंद्रियों में छह, अग्नि का एक वायु का एक में तीन प्रकृतियाँ स्वस्थान और उत्पन्न स्थान में, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, अर्थात किसी प्रकार से सत्व है किसी प्रकार से सत्व नहीं है। सत्व कब होगा, उद्वेलना नहीं की तो सत्व होगा, उद्वेलना के बाद सत्व नहीं होगा। तो चारों गति वाले मिथ्या दृष्टि जीव किस किस की उद्वेलना करते हैं, पहले चार बताए। हाँ
अरे तीर्थंकर की कभी विद्वलना नहीं होती। आहार दिक और समय प्रकृति, देख हमने क्रम देखा था ना अभी, उद्वेलना वाली पहले होने वाली जो है आहारक द्विक और सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, यानी सम्यक प्रकृति और बाद में सम्यक मिथ्यात्व, वो तो देव मिथ्या दृष्टि भी उसकी उद्वेलना करेंगे, मनुष्य मिथ्या दृष्टि भी, सारे मिथ्या दृष्टि लिए इनकी उद्वेलना करने के लिए एकेंद्रियों में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो मिथ्या दृष्टि करेगा। और एकेंद्रीय विकलेंद्रियों में छह का अर्थ क्या है, वो देव की दो, नरक की दो और वैकृत की दो, वो छह की कौन करेगा, एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय करेंगे, क्योंकि वहाँ उनका बंधन नहीं है तो उसका वो तो करेंगे उसके भी। और मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूरी और निज गोत्र की अग्निकायिक वायुकायिक करेंगे, तो अग्निकायिक वायुकायिक में इन तीन की सत्ता होगी कि नहीं होगी, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, क्योंकि जो इनकी सत्ता सहित वहाँ उत्पन्न हुआ है तो जब तक उद्वेलना पूर्ण नहीं होती तब तक उनकी वहाँ सत्ता बनी रहेगी, उद्वेलना पूरी हुई फिर सत्ता नष्ट हो गई, ये उसका अर्थ होता है, इसलिए दो ही बताए। और वहाँ उद्वेलना पूर्ण की और जहाँ उत्पन्न हुए वहाँ पर भी उसकी सत्ता नहीं थी, क्यों, उद्वेलना करके आए हैं, जब नया बंधन नहीं करेंगे तब तक सत्ता कहाँ से आएगी, ये उसका अर्थ होता है। नष्ट करने में पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण काल लगता है, जो असंख्यात वर्षों का है, नहीं ये मैक्सिमम ही होता है ना, फिर मिनिमम मैक्सिमम उतना ही होगा, एक अंतर्मूर्त में तो नष्ट होने वाले नहीं किसी की, ऐसा जो आता है ना अग्नि का एक वायु का एक विक्रिया करते हैं, कौन सी विक्रिया करेंगे, जिनकी सत्ता में वैकृत वैकृत अंगोपांग पड़ा है वो ही करेंगे, एक बार उसकी उद्वेलना करेंगे तो वो वायु का एक अग्नि का एक भी विक्रिया नहीं कर सकते, ऐसे है उसके। अभी वो मार्गणा में उन्होंने अलग अलग बताए, उसके हमको चर्चा नहीं करनी है, कौन सी पहले चार तो मिथ्या दृष्टि करते हैं, अपन चारों गति के मिथ्या दृष्टि, वहाँ एकेंद्रीय की कंडीशन नहीं थी, बाकी देवद्विक और नरक चतुष्क उसकी तो एकेंद्रीय और विकलेंद्रीय करेंगे, और मनुष्य की जो तीन बताई, मनुष्य द्विक और उच्च गोत्र, वो अग्नि वायु का एक वाले करेंगे, वो तो सारे मिथ्या दृष्टि हो गए। हाँ अब बाद में उन्होंने एक एक मार्गणा में सब घटित कर दिया है, परंतु उसको छोड़कर अभी हम आगे जरा देख लेते हैं, दोपहर में तो हमको दूसरा पुस्तक लेना है, दूसरी पुस्तक जरा, हमने जो उदय विच्छित्ति और बंध विच्छित्ति देखी थी ना, तो देख पेज नंबर निकालना 398 ये चूली काय ने जो विषय आ चुका है या जो कुछ चर्चा की है उसके बारे में और कुछ थोड़ी जानकारी बताते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ नीचे के तीन लाइन है ना, वहाँ पढ़ेंगे, पहले जो प्रकृतियाँ कही उनमें से उदय की विच्छित्ति के पहले बंध की विच्छित्ति कौन से प्रकृतियों की होती है, यानी जिनके पहले बंध की विच्छित्ति होती है और बाद में उदय की विच्छित्ति होती है, बाद में ऊपर के गुणस्थानों में, यानी बंध की विच्छित्ति पहले होती है और उदय की विच्छित्ति बाद में होती है, ऐसे आहार का उल्टा है। हाँ तीर्थंकर प्रकृति बंध विच्छित्ति कहाँ पर है, आठवें, और उदय विच्छित्ति, बहुत सारी प्रकृतियाँ ऐसी, और दुस्वर नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म क्या बंध की विच्छित्ति कहाँ हुई थी, बंध की विच्छित्ति दूसरे में, और उदय की विच्छित्ति ऐसा सोचो हर एक प्रकृति के ऊपर,
दूसर की बात है, और सुसवर की वो आठवें में और वो उदय तेरहवें में। इस तरह से ये प्रश्न पूछे गए। दूसरा क्या प्रश्न है? उदय की विच्युति के पश्चात बंध की विच्युति। और कोई है क्या? पहले उदय की विच्युति होती है, बाद में बंधे की विच्युति होती है। वो यशस कीर्ति छठे में बंधे की विच्युति है, उदय की विच्युति चौथे में ही बताई है ना। और उदय की विच्युति के साथ साथ बंधे की विच्युति होती है। जैसे मिथ्या तो है, कषाय वो होता है, वो सारे बंधे के साथ साथ उदय की भी विच्युति होती है। इस तरह से हमको सोचना है, ये दिमाग लगा कर इसके उत्तर निकालना है। देखो नीचे के पैराग्राफ 399 पर, देवगति देवानुपूर्वी कहाँ तक बनती है? आठवें तक। वैकिरिक शरीर अंगोपांग आठवें तक, आहारक शरीर अंगोपांग आठवें तक, और उदय विच्युति कहाँ है? चौथे में। देवगति, देवगति चतुष्क की तो चौथे में, आहारक की तो छठे में है ना, देवायु की वो भी चौथे में, हाँ बंध तो सातवें में था और उदय तो चौथे तक ही है। इस तरह से आठ प्रकृतियों की उदय विच्युति के पश्चात बंध विच्युति होती है। ख्याल में आई ना बात? क्योंकि यहाँ तो आठवें तक देवगति वगैरह बन रही थी और उसका उदय तो देवों के चौथे गुणस्थान तक ही है, बाद में तो उनके गुणस्थान ही नहीं वो। इस तरह से उसको विचार करना। ये तो देवगति की बात हुई ना। देखो अभी नेम 400 पेज पर, जिनकी युगपत बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति है, ये कौन कौन से है? देखो मिथ्यात्व, आतप, मनुष्य, ये अकेला पहला गुणस्थान नहीं लिया, बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति एट ए टाइम है उसकी बात है। तो मिथ्यात्व और आतप की उदय और बंध विच्छित्ति पहले में, मनुष्यानुपूर्वी की चौथे में है, स्थावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण पहले में, संज्वलन लोभ के बिना अन्य 15 कषाय, क्योंकि संज्वलन लोभ के उदय में 10वें में उदय है परंतु वहाँ उसका बंध नहीं है, बाकी सब अपने अपने उदय में बंधने वाले हैं। भय जुगुप्सा तो ध्रुवबंधी है और उसका तो 8वें तक उसका बंध भी और उदय भी है। हास्य रति वो भी 8वें में, एकेंद्रिय आदि चार जाति पहले में, पुरुष वेद बंध 9वें तक, उदय भी 9वें तक है, इनकी उदय विच्छित्ति और बंध विच्छित्ति एक साथ होती है, वही वहाँ ब्रैकेट में समझाया है। अभी बाकी के नीचे के पैराग्राफ में बहुत सारी प्रकृतियाँ बताई ना, 81 बताई है, उसकी उदय विच्छित्ति पश्चात होती है और पहले बंध विच्छित्ति होती है। अब इसी को सबको समझाने के लिए एक ये अपनी ओर से एक टेबल बनाए, ये कौन सी प्रकृति बंध विच्छित्ति कहाँ है और उदय विच्छित्ति कहाँ है। जैसे नरगति नरगत्यानुपूर्वी नरकायु का बंध पहले में रुकता है परंतु उसका उदय चौथे तक चल रहा है ना, असंप्राप्तिका सुखवाटिका सहन है पहले में और उदय तो सातवें तक है, नपुसक वेद का पहले में बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति 9वें में, हुंडक संस्थान पहले में बंध विच्छित्ति और हुंडक संस्थान के साथ कोई केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है तो 13वें में उसकी उदय विच्छित्ति है। तिर्यंचानुपूर्वी दुर्भोग और अनादेय दूसरे में बंध विच्छित्ति है और चौथे में उदय विच्छित्ति है। तिर्यंच गति तिर्यंचायु उद्योत और निज गोत्र दूसरे में बंध विच्छित्ति है और 5वें तक उसका उदय है। ये तीन निद्रा जो है ना स्थान वृद्धि, दूसरे में बंध विच्छित्ति और उदय विच्छित्ति हमने छठवें में देखी थी। ये अर्धनाराज और कीलित सहनन दूसरे में बंध विच्छित्ति हुई थी और 7वें तक उसका उदय है। स्त्री वेद का बंध कहाँ रुका था? दूसरे में। और स्त्री वेद का उदय कहाँ तक है? 9वें तक है। हाँ अभी दो सहन है ना, वज्र नाराज और नाराज, वो दूसरे में, क्योंकि हमने बीच के चार सहनन जो देखे थे दूसरे में बंध विच्छित्ति देखी थी और उसका उदय नहीं, उसके उदय सहित तो
उपशम श्रेणी चढ़ सकता है। तो 11वें में उसकी उदय विच्छेद बताई थी। अब जो बीच वाले न्यग्रोध परिमंडल स्वाति कुब्जक और वामन संस्थान दुस्वर अप्रशस्त व्याहति ये सब दूसरे में उसकी बंद विच्छेद है, परंतु उसके उदय की विच्छेद 13वें में है। अब मनुष्य गति मनुष्यायु इसकी उदय की विच्छेद बंद की विच्छेद 4थे में है और उदय तो 14वें तक चलेगा। औदारिक शरीर अंगोपांग वज्रषभ नारासन बंद की विच्छेद 4थे में है और उदय की विच्छेद 13वें में है। अरति शोक की 6ठे में बंद है और उदय 8वें में देखे ना, 9 कषाय की उदय की विच्छेद देखी। अस्थिर अशुभ 6ठे तक बनती है हाँ, परंतु उदय 13वें को भी है। असाता वेदनीय 6ठे में बंद विच्छेद और उदय 14वें तक है हाँ। निद्रा और प्रचला हमने देखे थे 8वें के पहले भाग में बंद विच्छेद हुई थी और उसका हाँ 12वें के उपांत समय में उदय और सत्व दोनों नष्ट हो जाते हैं। तेज शरीर कारमान शरीर समचतुर संस्थान और वर्णादि चार हाँ बंद विच्छेद 8वें में हुई थी और 13वें में उसकी उदय विच्छेद यानी 13वें में उदय है आगे नहीं है तो विच्छेद वहाँ हो गए। अगुरु लघु आदि चार प्रशस्त विहार गति और प्रत्यक्ष शरीर वो भी 8वें में बंद विच्छेद और 13वें में उदय विच्छेद। स्थिर शुभ सुस्वर और निर्वाण का भी ऐसा ही है 8वां और 13वां। अब पंचेंद्रीय जाति त्रस बादर पर्याप्त सुबह आदे तीर्थंगर देखो ये 14वें वाले को उदय है 8वें में बंद विच्छेद हुई पर 14वें तक उदय है। संजवन लोभ बंध कहाँ होता है विच्छेद 9वें में और उदय 10वें तक है। ज्ञानावरण 5 दर्शनावरण 4 और अंतराय 5 10वें में अंतिम भव बंध था उसका वहाँ बंध विच्छेद 12वें में उदय विच्छेद। यश कीर्ति और उच्च गोत्र 10वें तक बनती वहाँ तो उसका बंध विच्छेद और 14वें तक उसका उदय है 14वें में उदय विच्छेद। और साता वेदनीय बंध विच्छेद 13वें में और उदय विच्छेद 14वें में है ना। इस तरह से इन्हें सोचकर थोड़ा ये टेबल बनाए हो तो मूल पुस्तक में तो था नहीं है परंतु हम प्रकृति को लेके उसका बंध कहाँ है उदय कहाँ है या विच्छेद कहाँ है उसको हम देख सकते हैं इस तरह से। ना 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 वो जन्म से जो है सुस्वर दुस्वर वही रहेगा हाँ वही रहेगा वो नाम कर्म का उदय वैसा ही होगा। अभी यहाँ अभी ये प्रश्नों के उत्तर वगैरह दिए हैं अभी उसमें हम नहीं जाएंगे। अभी कोई प्रश्न आपके है तो पूछ लेना। वो यश कीर्ति बदल सकती है बदल सकती है वो क्या जन्म से वही का वही नहीं रहता वो तो बदलते रहता है हाँ हाँ। आपका प्रश्न नहीं ख्याल में आया एक अपनी चार्ट अभी मैंने देखा इतना मैंने सुना आगे थोड़ा आगे आके बोलना। इन्हें पहला दूसरा हमने देखा तीसरे गुणस्थान में किसी की बंध विच्छेद है नहीं है ना। देखो देखो जहाँ जिसकी जैसे कषायों की जहाँ जो बंद विच्छेद थी 5वें में कही तो उसका उदय भी उदय की विच्छेद भी वहाँ पर ही होती है यानी उनकी चर्चा यहाँ नहीं ली है। जैसे आप कहेंगे अप्रत्यक्ष अनावरण के बंद की विच्छेद कहाँ है 4थे में अप्रत्यक्ष अनावरण तो उसकी उदय की विच्छेद कहाँ है 4थे में ही ऐसे कुछ तो यहाँ छोड़ दिए है बीच में नहीं होती ऐसी कहाँ है उसमें भी बंध विच्छेद होने वाली प्रकृतियाँ है हाँ जिसमें डिफरेंस है उसको यहाँ ले लिया है हाँ। क्योंकि बहुत सारी उन्होंने देखे ना 81 प्रकृतियों की उदय विच्छेद बंध विच्छेद
जो बताई है, पहले उन्होंने बताई थी, देखो यहाँ पर 31 प्रकृतियों की, पेज नंबर 400 पर विशेषार्थ में लिखा है। देखो उसका टेबल नहीं बनाया, पर उसकी एट ए टाइम है, इसलिए उसको छोड़कर बाकी की यहाँ लिए, जो एक साथ है उसको वहाँ पर बता दिया, उसका टेबल नहीं बनाया उसका, वो भी तिरछे लेटर में जो इटैलिक में लिए है वो मैंने अपनी ओर से लिखा है, वो पंडित टोडरमल जी की बात नहीं है, वो समय ज्ञान चंद्रिका ढूंढारी में ये नहीं लिखा था, ये मैंने यहाँ तो इस तरह से लिखा है और यहाँ हमने टेबल बनाया। अरे अलग अलग है ना, देखो ना पहला और चौथा वो क्या है, एक साथ है ना, वो 400 पेज पर बीच वाला पैराग्राफ जिसको विशेष अर्थ लिखा है वो पूरा है, एक साथ होने वाली है। जैसे मिथ्या तो गुणस्थान में जो है 10 प्रकृतियों की युगपत बंध विक्षिति है, अनंतानुबंधी की दूसरे में है, फिर मनुष्यानुपूर्वी और अप्रकैत्यांजर वो चौथे में है, ये इस तरह से उसका टेबल नहीं बनाया, क्योंकि एक एक गुणस्थान में एक एक की अपने अपने गुणस्थान में उसकी बंध और उदय विक्षिप्त थी, इसलिए उसको अलग से नहीं बताया है। इस तरह से ये हमने उदय के बारे में वगैरह देखा है। निद्रा प्रचला की बंध विक्षिप्त 8वें में लिखी थी, 8वें 12वें के उपांत समय में, हाँ 12वें में उदय है, परंतु वैसे तो जहाँ विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती है श्रेणी में, वहाँ उसका उदय जैसे अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण वगैरह नहीं भी होगा, परंतु 12वें के उपांत समय में वहाँ बताया है। ये तो निद्रा प्रचला वैसे नहीं के बराबर ही है, परंतु फिर भी उसके उदय वहाँ तक पाया जाता है। देव और नारकी को निद्रा प्रचला का है, परंतु स्त्यान वृद्धि वगैरह का होता ही नहीं, ना देवों के हैं ना नारकियों के हैं, और ना ही अपर्याप्तों के होता है, बाकी एकेंद्रियों के भी उदय है पर पर्याप्तों के होगा बिल्कुल। अभी सो लो, देव में जाओगे ना सब, वहाँ ऐसा सोने को नहीं मिलेगा। अभी रुके, यहाँ कोई प्रश्न है? ऐसे उनके भी केवल ज्ञान हो सकता है, यानी जैसे सहनन का नियम है वैसे संस्थान अमुख ही चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। जो तीर्थंकर है उनके समय चतुर्थ संस्थान ही होगा। देखो जो सम्यक्त्व के साथ जन्मे हैं और उसी भाव में मोक्ष जाते हैं वो समचत्र संस्थान और वज्रषभ नारा सहनन लेके आए, क्योंकि पूर्व भाव में सम्यक्त्व के साथ उन्होंने बांधा था। अब इसी भाव में जो मिथ्या दृष्टि जन्मे हैं और उसी भाव में मोक्ष जाने वाले हैं, उनके कोई भी हो ना उसमें, अरे समय दृष्टि हुआ, मुनि हुआ, केवल ज्ञान ही हुआ, बिल्कुल यानी केवल ज्ञान होने में कोई बाधा नहीं है। जैसे सहनन का नियम, क्योंकि उसके उतना क्षपक श्रेणी का पुरुषार्थ नहीं हो सकता, इस अपेक्षा से वो हो जाता है। दोपहर में दूसरा भाग लाना है। हाँ आगे क्या, अंतर्मूर्त निगोदी की अंतर्मूर्त आयु है, अपर्याप्तम की छोटा अंतर्मूर्त, पर्याप्तम की थोड़ा बड़ा अंतर्मूर्त, पर अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं। अभी हम यही रुकते हैं, दोपहर में मिलते हैं। अभी बोलो 2400 भगवान की जय।